उसे। फिल्म रावण में हमें SRK दिखाई देंगे किकिंग सम सीरियस बट, लेकिन उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू जस्ट डू विद हिज किड्स। नहीं नहीं, हम किसी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक टाइकोंडो टूर्नामेंट की, जिसमें अपने बच्चों को एनकरेज करने के लिए शाहरुख खान पहुँचे अपनी वाइफ गौरी खान के साथ। और यहाँ शाहरुख के बेटे आर्यन ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर खुद को साबित कर दिया खिलाड़ी नंबर वन। हैव अ लुक। फर्स्ट किक, सेकंड किक, थर्ड किक, ये है शाहरुख खान के युवराज यानी आर्यन जो कर रहे हैं तैयारी महायुद्ध की। लुक्स लाइक शाहरुख खान के बेटे आर्यन अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनने की। आफ्टर ऑल अक्षय के मार्शल आर्ट को टक्कर देने के लिए शाहरुख खान अब अपने ही घर में तैयार कर रहे हैं एक ऐसा योद्धा जिसे आता हो एक्शन से लेकर सब कुछ। और आर्यन को ऐसा योद्धा तैयार करने के लिए शाहरुख खान दे रहे हैं अपना पूरा सपोर्ट। यहाँ आर्यन शार्पन कर रहे हैं उनके बच किंगिंग स्किल्स और हमें लगता है कि बहुत जल्द आर्यन बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे किकिंग सम एज, डोंट यू थिंक। चलिए अनअप आर्यन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंग खानिया। लगता है शाहरुख खान है एक स्पोर्ट्स फ्रीक और हमेशा स्पोर्टिंग एसोसिएशंस को सपोर्ट देते हैं। मुंबई के टाइक्वांडो इवेंट में शाहरुख खान पहुंचे अपने बच्चों को चीयर करने के लिए। आई थिंक गेम, काम या स्पोर्ट वही खेलनी चाहिए जिसमें दिल अच्छा लगे। अभी मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आवर चिल्ड्रन, अगर उन्हें अच्छा लगता है, दे शुड कंटिन्यू। टीचिंग इज हियर एंड देन फर्दर स्टडीज के लिए आई एम श्योर और इक्विपमेंट और फैसिलिटीज हो, बट आई वुड लाइक माय चिल्ड्रन टू बी इनटू सम स्पोर्ट ऑल देयर लाइफ। शाहरुख खान एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स फ्रीक भी है और जब भी नेशनल लीग स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स की पार्टिसिपेंट्स की बात होती है तो शाहरुख खान इज मोस्ट एनकरेजिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है उसमें कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट में एक अकेलापन और एक अकेली स्ट्रेंथ होती है। मैं खुद कभी नहीं कर सका, मैंने कभी इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं खेला। बॉलीवुड में अगर नंबर वन डैड का टैग किसे दिया जाए तो वो शाहरुख खान ही होंगे, क्योंकि यहाँ शाहरुख खान एट द 7 सीम टू बी द मोस्ट लवेबल डैड। आइए देखते हैं शाहरुख खान के अलग अलग मूड्स व्हेन इट कम्स टू सीइंग हिज किड्स कम्पीट। जब आर्यन पहुंचे रिंग में फॉर द फर्स्ट राउंड तो शाहरुख हो गए थोड़े टेंस। क्या आर्यन में है इतना दम अपने इस ओपोनेंट को हराने में? विल आर्यन विन द गोल्ड? Yeah, Shahrukh Khan seemed to be giving Aryan a bit of pep talk. Well, so that was a day in the life of Bollywood's king, Mr. Shahrukh Khan, जो सेवेंट के बाद पहुंचे डायरेक्टली रावण के सेट्स पर। और मेरा काम इसलिए अच्छा होता है अगर मैं उनको ज्यादा प्यार दूं और टाइम दूं। मैं उनसे बहुत सीखता हूं। अब ये जो पंचेस में यहाँ से बच्चों से सीख कर जा रहा हूँ, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैं जाके जल्दी से फाइट में रावण में डाल दूंगा। फॉर आंद्रे फर्नांडिस, रिंग, मुंबई।